Dear students, Assalamualaikum. Today's topic is about creating a customer or a client who is not liable to pay any tax, or a tax-exempt client or a customer. How can a client be exempted from tax? Well, the government decides that some agencies, some companies, some organizations can be exempted from tax. They could be government entities or they could be private entities working as ngos trust etc when these companies or organizations are formed they are formed based on the knowledge that the government is going to exempt tax based on certain principles and law these companies then file an application to the government requesting them that they be Provided tax exemption, and when they are provided with tax exemption, they are given a certificate mentioning the reason for tax exemption and the period for which they are exempted from tax. Maybe these companies are exempted from tax for being an entity which is working as a non governmental social organization. वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल और दिस कंपनी माइड बी बेस्ड इन एन एरिया विच इज़ एग्जेंटिड फ्राम टैक्स ये ज़रा समझने वाली बात है बाज़ कंपनियाँ तो अपने वजूद की बुनियाद पर कि हमारा काम ही ऐसा है कि जिसमें हम टैक्स अदा ना करें तो बेहतर है जैसे हम कोई फलाही काम कर रहे हैं और कोई ऐसा अदारा है जो कि मुख्तलफ ट्रस्ट चला रहा है और लोगों के लिए हस्पताल और इस तरह की डिस्पेंसरीज़ वगैरह टाइप की बहुत सारे फलाही काम कर रहा है और गवर्नमेंट ने एज़ पर लॉ उसको टैक्स से मुस्तना करार दे दिया इसके अलावा ऐसी कंपनियां भी हो सकती हैं ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं जो उन इलाकों में बनाई गई हों फट्रियाँ लगाई गई हों या वहाँ उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया हो जिस एरिया को गवर्नमेंट ने फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम टैक्स एग्जम्प्ट करार दे दिया बहुत सारे टैक्स एग्जम्प्ट एरियाज होते हैं जहाँ पे कंपनी जो प्रोड्यूस कर रही है वहाँ टैक्स उनके ऊपर लागू नहीं होता हो सकता है ये एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बनाई गई कंपनी हो जहाँ लोकल टैक्सेस एप्लीकेबल नहीं है और सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर जो ड्यूटीज़ लागू अगर हैं भी तो एक्सपोर्ट के ऊपर लागू हैं इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिनको हुकूमत प्रमोट करने की खातर चंद सालों के लिए टैक्स करार देती है और वो कहती है कि इस पर्टिकुलर लाइन में जितनी कंपनीज़ काम करेंगी उनको इतने मुद्दत तक टैक्स की छूट दे दी जाएगी ये कंपनीज़ एस के तहत या अपने टैक्स एग्जैम्पन सर्टिफिकेट के तहत अप्लाई कर सकती हैं किसी भी कंपनी को कि आप हमारे साथ जितना बिजनेस करेंगे उसमें आप हमें टैक्स की छूट देंगे इसी तरह अगर आपके कस्टमर और क्लाइंट इन कंपनियों में से हैं तो उन्हें आपको अपना टैक्स एग्जेंप्शन सर्टिफिकेट फराहम करना होगा यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हो जाती अब आप पर लाजम है कि आप इस टैक्स एग्जेम्पन सर्टिफिकेट की वरासिटी को चेक करें चेक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हो सकता है कि गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर उन कंपनियों की लिस्ट आ रही हो जो कि टैक्स एग्जम्प्टिड है हो सकता है कि टैक्स एग्जम्प्टिड एग्जम्पन सर्टिफिकेट के ऊपर जो नंबर दिया है उससे आप चेक कर सकते हो और यह भी हो सकता है कि आपको उसकी कॉपी वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट के किसी इदारे को भेजना पड़े लेकिन ये कंपलसरी है और आप पे लाजिम है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इंश्योर करना है कि आपका ये क्लाइंट या कस्टमर टैक्स एग्जम्प्ट है एक तो ये इंफॉर्मेशन आपको चाहिए दूसरी चाहिए कि ये टैक्स एग्ज़म्पन कितने पीरियड के लिए और जब वो पीरियड ख़त्म हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि अब इस एंटिटी का इस कंपनी का एग्ज़म्पन पीरियड ख़त्म हो रहा है इसकी तमाम रिक्वायरमेंट आपको मेंटेन करनी है गवर्नमेंट को नहीं गवर्नमेंट ने आपसे ये नहीं पूछना कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि इसकी टैक्स एग्जम्शन पीरियड ख़त्म हो गया और तुम उसे एक टैक्स एग्जेम्प किए चले जा रहे हो एक सर्टिफिकेट की बुनियाद पर जो उसने पाँच साल से पहले दिया हुआ ऑल दिस लाइबिलिटी रेस्ट ऑन यू आपके अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को विजिलेंट होना चाहिए ताकि वो इसकी चेकिंग सही तरीके से कर सके और इसको अपडेट करता रहे पीरियडिकली नाउ लेट्स गो ओवर टू क्विक बॉक्स एंड सी हाउ वी क्रिएट अ टैक्स एग्जम्प्ट क्लाइंट और अ कस्टमर अब आपको पता है कि हमारे पास एक कंपनी है जिसने हमसे रिक्वेस्ट की है कि उसे टैक्स एग्जिम्शन दी जाए और हमें उसने वैलिड सर्टिफिकेट जमा करा दिया अब हमारा काम यह है कि उसको टैक्स एग्जेप्ट करार दें आइए हम एक कंपनी को टैक्स एग्जैम्प्ट करते हैं सबसे पहले हम अपने होम पेज पर आएंगे पे और कस्टमर सेंटर पर जाएंगे और कस्टमर सेंटर पर जाने के आपको मैंने हमेशा से बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं भले आप अपने होम पेज से डायरेक्ट क्लिक करके चले जाएँ अपने मेन्यू से चले जाएँ या ड्रॉप डाउन से चले जाएँ कस्टमर सेंटर पर हम अपने जिस भी कस्टमर को चाहें जब चाहें टैक्स एग्जेप्ट कर सकते हैं और उसके लिए जितने टैक्सेस एप्लीकेबल पहले थे अब नहीं होंगे आइए हम करते हैं इसी कंपनी को टैक्स एग्जेंट हमने ये कंपनी सेलेक्ट की है और इसका डिटेल्स देखने के जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारे तरीक़े हैं डबल क्लिक करें राइट क्लिक करें और एडिट कस्टमर जैसे ही आप कहें कि एडिट कस्टमर हमारे पास उसकी डिटेल्स आ जाएंगी और आप जानते हैं कि हम इस वक्त सेल टैक्स से जुड़े हुए काम कर रहे हैं तो हम सेल टैक्स सेटिंग पे आएंगे यहां आपके पास टैक्स कोड आपका सिस्टम आपसे पूछ रहा है याद रहे कि ये वही टैक्स कोड है जो हमारे पास प्रेफरेंस में सेल टैक्स में कंपनी प्रेफरेंस में असाइन सेल टैक्स कोड दिए गए थे ये वही कोड है जो हमसे इस वक्त पूछा जा रहा है उस वक्त हमने आपको बताया था कि हम दो किस्म के कोड इस्तेमाल करते हैं टैक्स और नॉन क्योंकि ये तीन कैरेक्टर का हो सकता है तो इसीलिए वहां भी सिर्फ आपको यही ऑप्शन है आइधर यू यूज टैक्स और नॉन इन्हीं लफ्स को अगर आपने बदलना है तो तीन कैरेक्टर से हम बदलेंगे इन दिस केस वॉट वी आर गोइंग टू डू इज मेक दिस कंपनी नॉन टैक्सेबल जब हमने इसे नॉन टैक्सेबल बना दिया अब इसके ऊपर किसी किस्म का कोई सेल टैक्स लागू नहीं होगा इसको नॉन टैक्सेबल बनाने के बाद ऑल वी है ओके नाउ आर कंपनी इज टैक्स एग्जैम्प्ट इस कंपनी के ऊपर किसी किस्म का टैक्स अब लागू नहीं होगा आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके साथ काम करें और इसका टैक्स एग्जम्पन वाला पोर्शन चलता है या नहीं चेक करें लेट्स क्रिएट अ इनवॉइस फॉर दिस कंपनी इसके साथ पहले एक एस्टिमेट असाइंड है तो हम उस एस्टिमेट को ही इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके लिए हम कहते हैं कि इस पूरे एस्टिमेट के 100 परसेंट इन्यस के लिए हमने ये इन्वायस बनानी है इनॉयस क्योंकि इसकी पहली एक बन चुकी है तो ये रिमेनिंग पोर्शन के लिए इन्वाइस क्रिएट हो रही है और हमने उसकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो रिमेनिंग पोर्शन है जू का तू हमारे पास यहाँ लिस्ट डाउन हो गया है अब आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मैं क्वांटिटी अगर दाल भी दूं, उसके बावजूद जो टैक्स रेट हमारा नीचे है 7.75, वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा टाइप और इवन इफ यू यूज अ ग्रुप दिस विल द टैक्स लाइबिलिटी फॉर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट अब हमने ये देख लिया है कि हमने इस क्लाइंट को नॉन टैक्सेबल या एग्जेप्ट करार दिया है But because our client a customer non-taxable, there is absolutely no effect of tax on this particular invoice. So, in conclusion, you can make a client or a customer non-taxable simply by assigning the word "non" type to it. But remember that before assigning non-taxable exemption to a client or a customer. You have to verify it because the onus of verifying is on you as a company.